आपके साथ राधिका चौधरी। चलिए फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरों आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी को लेकर जारी विवाद के बीच आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत चल रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोनों पक्षों में होने वाली नवे दौर की बातचीत, ऐसे में हर किसी की नजर इस अहम बैठक पर है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कमेटी बनाई गई है उनमें से एक भूपिंदर सिंह का मानना है कि वो खुद कमेटी से हट गए हैं और किसानों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों के मसले पर आज कांग्रेस देश भर में हल्ला बोल रही है। कांग्रेस की ओर से सभी जिला हेडक्वार्टर पर जन आंदोलन के नाम पर प्रदर्शन किया जाएगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुटता के संदेश के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली में गवर्नर हाउस तक विरोध मार्च निकाला जाएगा, जिसकी अगुवाई में खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि समय आ गया है जब मोदी सरकार को किसानों द्वारा दी गई चेतावनी को समझने की जरूरत है, क्योंकि किसान करो या मरो की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि वो कृषि कानूनों को वापस लेकर अपना प्रतिष्ठा का मामला बनाए। सीएम अमरिंदर ने कहा कि कृषि का मामला राज्य का विषय है। अन्ना हजारे ने किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर पीएम मोदी को खत लिखा और जिसमें अन्ना हजारे ने जनवरी के अंत तक दिल्ली में भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी। भारतीय सेना आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। इस दौरान दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में देश के लिए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा कि आर्मी दिवस पर भारतीय सेना के बहादुर पुरुषों को शुभकामनाएं दी और भारत साहसी और प्रतिबद्ध सैनिकों के लिए हमेशा आभारी रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि मां भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन। गृहमंत्री अमित शाह ने भारतीय सेना के साहस और बलिदान को नमन करते हुए ट्वीट करके लिखा कि भारतीय सेना शौर्य और पराक्रम के प्रतीक है। देश के बहादुर सैनिकों को अदम्य साहस को नमन करता हूं। सीडीएस बिपिन रावत ने वीर शहीदों को याद करते हुए कहा कि आर्मी डे पर हम अपने उन बहादुर सैनिकों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ करते हुए वैक्सीनेशन अभियान को लॉन्च के साथ ही पीएम मोदी ने कोविन ऐप को भी आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे। भारत का यह टीकाकरण अभियान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है, जिसमें देश भर में फ्रंटलाइन वॉरियर वैक्सीन की पहली खुराक दी जाने की तैयारियां। टीकाकरण अभियान से पहले केंद्र सरकार के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दोनों टीकों के लिए एक व्यापक फैक्ट शीट भेजी गई है, जिसमें टीकाकरण के बारे में सारी जानकारी दी गई है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत आज से शुरू हो गई है। सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5,100,000 रुपए का चंदा दिया। बता दें कि चंदा अभियान के तहत 5,00,000 से ज्यादा गांव में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों से संपर्क साधा जाएगा और उनमें से चंदा मांगा जाएगा। यह अभियान 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से भी राम मंदिर के लिए आज चंदा लेने जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुद्दे को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। केंद्रीय कार्यालय में यह बैठक शाम 3 बजे आयोजित की जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने 65वें जन्मदिन पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव को अकेले ही लड़ने की घोषणा कर दी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कोरोना वैक्सीन पर बड़ा बयान दिया है। मायावती ने कहा कि यूपी में बसपा की सरकार बनने पर कोरोना का टीका सबको मुफ्त में लगेगा। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधर ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री पर कोरोना का फैलाव को रोकने में असफल रहने का आरोप भी लगाया। देश में वैक्सीन पर चल रही सियासत के बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट करके कहा कि सरकार में कोवैक्सीन के सारे परोपकार को सबसे पहले इस वैक्सीन से खुद को सुरक्षित करने के उदाहरण को पेश करना चाहिए।
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से सीता को लेकर दिए गए बयान पर सीतामढ़ी के टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। सीबीआई की टीम ने नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई को अपने कुछ अधिकारियों में, जिसमें दो डीएमसी भी शामिल हैं, उन पर रिश्वत लेने का शक। राजधानी दिल्ली में स्पा चलाने वाले लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी राहत मिल सकती है। लॉकडाउन के बाद से ही बंद स्पा सेंटर्स को दोबारा खोलने में दिल्ली हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है। स्पा चलाने वालों को, अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों को हर दो हफ्ते के बाद कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। इसके अलावा ग्राहकों को लिखित में देना होगा कि वो फिलहाल कोरोना से ग्रसित नहीं है। चंडीगढ़ के हिसार के लिए देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हवाई अड्डे पर उड़ान योजना के तहत हवाई टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ के हिसार के एयर टैक्सी सेवा में 4 लोग पायलट समेत सवार हो सकेंगे। ये सफर 45 मिनट का होगा। एयर टैक्सी को प्राइवेट टैक्सी के तौर पर बुक किया जा सकेगा। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि दूसरे चरण में हिसार से देहरादून के लिए सेवाएं 18 जनवरी, जबकि तीसरे चरण में चंडीगढ़ से देहरादून की और हिसार से धर्मशाला तक दो और मार्गों को 23 जनवरी के लिए जोड़ा जाएगा। हरियाणा सरकार की ओर से पुलिस के रिफॉर्म टाइम्स घटाने के लिए एक बड़ी कवायद की जा रही है, जिसके तहत हरियाणा पुलिस को 630 नई गाड़ियां भी दी जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रंग रूप बदलने वाला, यात्रियों के लिए हर संभव सुविधा के साथ साथ परिवार के विभिन्न तरीकों की मौजूदगी होगी, समाहित करते हुए एक योजना बनाई जा रही है। आरएलडीए के रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास के लिए 19 जनवरी तक विभिन्न देशों के निवेशकों को डेवलपर्स के लिए आभारी रोड शो कर रहा है, ताकि प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट और प्रस्तावित लेन देन के स्ट्रक्चर पर चर्चा की जा सके। आज से किसी भी लैंडलाइन के फोन पर मोबाइल कॉल करने से पहले 0 यानी कि 0 का बटन दबाना अनिवार्य कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार तापमान गिरावट के साथ घने कोहरे की चादर दिखाई दे रही है। आज सुबह लोधी रोड के इलाके में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विजिबिलिटी की बात करें तो 200 मीटर दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले हफ्ते 2-3 दिन तक इसी तरह का मौसम दिल्ली में बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 19 जनवरी के बाद थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन गणतंत्र दिवस के आसपास बेदर्द सर्द हवाओं एक बार फिर इम्तिहान ले सकती है। मौसम विभाग के पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर तराई इलाकों तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा बाराबंकी और कानपुर में घने कोहरे को अलर्ट जारी किया। भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर में पारा -7-8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यही वजह है कि ये डल झील की एकदम जम गई है। जोधपुर के पुलिस आयुक्त की कार्य योजना में सबसे पहली प्राथमिकता सीसीटीवी विजिलेंस को दी गई है। इस योजना के तहत बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यादगिरी में पिछले दिनों एक जौहरी के दिनदहाड़े हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। लुधियाना में 5वां सेवा दिवस मनाया जा रहा है। इसी दौरान भारत पाकिस्तान के साथ हुई जंग के बारे में बताया गया और देशभक्ति को प्रेरित किया गया। बूंदी में युवा किसान जितेंद्र ने कृषि अधिकारियों की सलाह पर बागवानी शुरू की है। तकनीकी के सारे फलों को खुद बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। इनोले के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता करके कहा कि 27 तारीख को विधानसभा में जाकर फिर से वो इस्तीफा साइन करके देंगे। कर्नाटका के रायचूरू में कोरोना वैक्सीन को सरकार ने पहुंचा दिया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी सूचना भी दे दी है। बेंगलुरु में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार बीजेपी को भ्रष्ट पार्टी बताया। बीजेपी के बागी विधायक ने सीएम येडियुरप्पा पर घुसखोरी का आरोप भी लगाया। चामराजनगर की संस्कृति विभाग संक्रमण त्योहार मनाया जा रहा है। विधानसभा में एन महेश ने ग्रामीण संस्कृति को ढोलक बजाते हुए आनंद लिया। घरोड़ा टोल प्लाजा पर किसानों के धरने के बीच कुमारी शैलेजा पहुंची और किसान नेताओं से बातचीत की। साहिबगंज में सोराय पर्व पर आदिवासियों के युग व्यक्तियों के झूम उठे। मुख्य अतिथि के रूप में साइमन मराडी भी मौजूद रहे। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि जल्द ही इनसो की नई वेबसाइट एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर युवाओं से लगातार संपर्क करते रहे और उनको लगन से तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। जालंधर के कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने दावा किया है कि कांग्रेस आगामी नगर पंचायत चुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। बूंदी के गांव में मंदबुद्धि विवाहित के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। झज्जर में पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुकेल ने कहा कि किसान और कांग्रेस की एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह रद्द किए जाए। रामगढ़ में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाले युवक की महिलाओं ने धुलाई कर दी और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जमशेदपुर में पुलिस ने चोरों कांड में खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद हजारों की नकदी समेत सोने चांदी जेवरात भी मिले। जमशेदपुर के सांसद विदेंत वरण महतो ने बताया कि इस साल कोरोना के चलते टूशू मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। जमशेदपुर में बीजेपी नेता अभय सिंह चौटाला ने टूसू पर्व की बधाई दी और गरीबों के बीच कपड़े खाद्य सामग्री का वितरण किया। धौलपुर में जन्मदिन के दौरान की गई हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सीतामंडी में काम में निकाले जाने के बाद डाटा एंट्री ऑपरेटरों को प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑपरेटर भूख हड़ताल पर बैठ गए। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा में डुबकी लगाने श्रद्धालुओं की भीड़ हर की पेड़ी में उमड़ी और इस दौरान प्रशासन की तरह से पूरे इंतजाम किए गए। कर्नाटका के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने परिवार के साथ बेंगलुरु के घर में पूजा अर्चना की। फरीदाबाद के घर में दबे खजाने में झांसा देकर ठगी करने वाले 2 तांत्रिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मोदी और मनोहर की सरकार निरंतर विकास करा रही है और ये विकास का कार्य लगातार जारी रहेगा। पानीपत के गांव में एक विवाहित संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। जालंधर के सिविल सर्जन की बलवंत सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें कोरोना वैक्सीन की 16 हर 4 सासू को 90 खुराक मिली है। पानीपत में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और घर में लाखों गहने लेकर फरार हो गए। हालांकि ये पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। रुड़की की एक कॉलोनी में मालिक का शव मिलने के इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट के हिसार के लिए एयर टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर खड़ा किया। शेयर मार्केट की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स 49,200 कारोबार कर रहा है। वही निफ्टी इंडेक्स 83,070 अंक के नीचे 14,511.90 पर कारोबार कर रहा है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के बजट में गरीब परिवार और छोटे तथा मझले उद्यमियों को राहत मिलेगी। पेटीएम में यूबीसी के ग्रुप में $400 मिलियन का निवेश कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूबीएस के एसेंट मैनेजमेंट आर्मा द्वारा पेटीएम के हिस्सेदार खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। गूगल ने करीब 450 ऐप को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। गूगल का कहना है कि ये ऐप उसकी यूजर्स सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहा था। 2021 में भारत में सोने की मांग बढ़ने की उम्मीद है और वहीं WGC ने अपनी रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि सोने की मांग और स्तर दाम दोनों ही भारत के मार्केट के लिए अनुकूल है। कोरोना संकट के बीच इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को तकड़ा नुकसान हुआ है। 2020 में भारत ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट 18.87% घिरा। 2021 जीप कॉम्पास 27 जनवरी को लॉन्च होने वाली है और इसमें लोगों को 6 एयरबैग्स, एंटीलॉक ब्रेकिंग और सिस्टम जैसे दमदार फीचर्स मिलेंगे। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 18 जनवरी को अपना आईपीओ को लॉन्च करने का फैसला कर लिया। कंपनी ने इसका प्राइम बैंड 25-26 रुपए तक तय किया है। दिसंबर में सब्जियों को खाने पीने की वस्तुओं के दाम कम होने में थोक महंगाई दर भी कम आई है।
पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल के दिसंबर 2020 के दौरान 17.77 लाख पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री हुई है। विश्व में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,25,365 नए मामले सामने आए और 14,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9,34,00,000 के पार पहुंच गया है, जबकि कोरोना से 20,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के दवा दुकान में कोविड-19 के टीके की आपूर्ति शुरू कर दी गई। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के ठीक हुए मरीजों में भी संक्रमण को दूसरे तक फैला सकता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन ने सोनिया अग्रवाल को जलवायु नीति और नवाचार के लिए अपनी वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया। ट्रंप प्रशासन के नीचे की सरकार में तेल कंपनी चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन के साथ कारोबार खत्म करने की बात कर रही है। तुर्की के रक्षा मंत्री नए अमेरिकी प्रशासन से बातचीत करने और रूसी हथियार खरीदने पर लगे प्रतिबंध के निर्णय की समीक्षा करने की अपील कर रहे हैं। ब्रिटेन के संसद परिषद में कश्मीर पर हुई बहस में सांसदों ने गलत तथ्य रखने पर भारत ने विरोध जताया। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान में ओमाना की खाड़ी में नौसैन्य अभियान के दौरान क्रूज मिसाइलें दागी गईं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ईरान पर आतंकवादी संगठन अलकायदा को शरण देने में गंभीर आरोप भी लगाए। तमिल फिल्म मास्टर ने पहले दिन भारत में 42 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़कर सभी इंडियन फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय ने बिना वीजा के दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचने पर मुसीबतों में फंस गए हैं। एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर पूरा किस्सा बताया। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम को लेकर फिर बवाल हुआ है। जोधपुर में SC/ST के एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करवाई की गई है। सीरीज के पहले एपिसोड में समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाने का आरोप लगा। डेथ इन बॉलीवुड के नाम पर डॉक्यूमेंट्री की वजह से एक बार फिर जिया खान की मौत का मामला चर्चा में है, जिसकी वजह से सूरज पंचोली की गिरफ्तारी करने पर मामला उठा। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल का पहला डिजिटल प्रोजेक्ट त्रिभंगा आज रिलीज हो रहा है। त्रिभंगा नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन के खेले जाने पर चौथे टेस्ट में तेज गेंदबाज सैनी चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। इसके बाद रोहित शर्मा ने उनका ओवर पूरा किया। भारतीय गेंदबाज के टी नटराज और ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे T20 के बाद टेस्ट में डेब्यू किया है। साथ ही टीम इंडिया को 10 साल बाद कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी मिल गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट की टीम में कप्तान बाबर आजम के ऊपर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है। लाहौर की एक अदालत ने उन पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। IPL में लगातार 5 महीने से खेल रहे बुमराह चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में चौथे टेस्ट नहीं खेल पाए। गौतम गंभीर ने कहा कि इंग्लैंड की सीरीज में आराम की जरूरत है। रोहित शर्मा ने हैरत अंग्रेज की कैच पकड़कर फिटनेस पर उंगली उठाने वालों की बोलती बंद कर दी गई है। रोहित शर्मा ने एक ऐसा कैच पकड़ा जो किसी भी फील्डर के लिए आसान नहीं होता है। तो चलिए सुपरफास्ट खबरों में आज इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।